नमस्कार दोस्तों, आप बादशाह ऑफ बॉलीवुड किंग खान एसआरके इन नामों से तो भली भांति परिचित होंगे। आपने इनकी बहुत सारी फिल्में भी देखी होंगी और उनकी सुपरहिट फिल्मों के नाम तो आपको याद ही होंगे। लेकिन क्या आप जानते हैं कि ये फिल्म जगत के अलावा इन्वेस्टमेंट जगत के भी किंग रहे हैं? तो आइए आज हम इस वीडियो में देखते हैं शाहरुख खान ने कहाँ कहाँ इन्वेस्टमेंट किया, उनके इन्वेस्टमेंट मंत्रास क्या है, उनकी इन्वेस्टर्स को सीख क्या है, ये सब चीजें आज हम इस वीडियो में देखेंगे। तो बने रहिए इस वीडियो में मेरे साथ आखिरी तक। सब्सक्राइब करें शेयर बाजार चैनल को और बेल बटन दबाएं लेटेस्ट शेयर मार्केट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। शाहरुख खान, जिनको हम किंग ऑफ बॉलीवुड अर्थात बॉलीवुड के राजा के तौर पर जानते हैं, उन्होंने 25 साल से भी ज्यादा बॉलीवुड के मोस्ट एंड्यूरिंग स्टार के तौर पर काम किया। उन्होंने अपनी कमाई को दूसरे रईस लोगों के जैसे खर्च तो किया ही, किंतु कमाई का एक बड़ा हिस्सा इन्वेस्ट भी किया। मे बी वह एक सामान्य बुद्धि के बिजनेसमैन नहीं है, वह काफी अच्छी तरह से बिजनेस को जानते हैं, लेकिन उन्होंने अपने पैसों से मेहनत कराई और उनके पैसे ने उनके लिए काम किया, क्योंकि इन्वेस्टमेंट उनका एक पैशन था। भारत के सबसे ज्यादा पेड एक्टर होने के कारण उन्हें इंडिया का लियोनार्डो डी कैप्रियो भी कहा जाता है। आज हम उनके तीन मेजर इन्वेस्टमेंट चैनल के बारे में बात करेंगे, जिन्हें थ्री सीज भी बोलते हैं, जिसमें से पहला है सिनेमा, दूसरा है चिल्ड्रेन और तीसरा है क्रिकेट। सर्वप्रथम हम देखेंगे सिनेमा या फिल्म में उन्होंने कैसे इन्वेस्टमेंट किया। उन्होंने मोशन पिक्चर प्रमोशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन की कंपनी रेड चिलीज एंटरटेनमेंट को बनाया। रेड चिलीज एंटरटेनमेंट ने एक फुल फ्लेज फिल्म स्टूडियो इंडिया के अंदर फॉर्म किया। फिल्म प्रोडक्शन के बाद इस कंपनी ने विजुअल इफेक्ट स्टूडियो VFX भी बनाया, जो इंडिया की लीडिंग विजुअल इफेक्ट कंपनी में से एक है। उसके बाद दूसरा, उन्होंने बच्चों के एजुकेशन और एंटरटेनमेंट पर निवेश किया। किडजामिनी, जो कि एक ग्लोबल इंडोर एंटरटेनमेंट और लीडिंग सेंटर है, उसमें उन्होंने इन्वेस्ट किया। और उन्होंने मैक्सिकन चेन ऑफ फैमिली एंटरटेनमेंट सेंटर किडजानिया की इंडियन फ्रेंचाइजी में अपना स्टेक लिया। तीसरा है क्रिकेट। शाहरुख खान ने IPL की फ्रेंचाइजी टीम कोलकाता नाइट राइडर्स KKR में भी इन्वेस्टमेंट किया। उन्होंने जूही चावला के साथ मिलकर इसमें अपनी हिस्सेदारी बनाई। शाहरुख खान ने स्पेन की कैरेबियन प्रीमियर लीग CPL की फ्रेंचाइजी क्रिकेट टीम में भी अपनी ओनरशिप बनाई। अब हम देखेंगे कि शाहरुख खान के चार बिजनेस इन्वेस्टमेंट मंत्रास को, जिसमें से उनका सबसे पहला मंत्राज है अवॉइड बोरोइंग, अर्थात कभी किसी से पैसे उधार लेके इन्वेस्टमेंट न करें, खुद की कमाई को ही इन्वेस्टमेंट में डालें। दूसरा है हमेशा अपने पैसों को डाइवर्सिफाई करें, यानी पैसों का डाइवर्सिफिकेशन। जैसे शाहरुख खान ने न केवल फिल्म में इन्वेस्ट किया, बल्कि उन्होंने स्पोर्ट्स, एजुकेशन, इन सारी चीजों में भी इन्वेस्ट किया। और तीसरा है अपने पैशन को हमेशा फॉलो करें, जैसे शाहरुख खान का ड्रीम था एक फिल्म स्टूडियो का। चौथा है हमेशा एक फिक्स्ड फार्मूले के ऊपर न काम करें, जैसे शाहरुख खान ने फेल्यूर के बाद भी मूवीज बनाना नहीं छोड़ा, वे लगातार इस पर काम करते रहे, क्योंकि वह जानते थे कि इससे उन्हें कुछ क्लिक तो मिलेगा ही। शाहरुख खान ऐसे लोगों में से नहीं है जो बीच में ही अपनी उम्मीद छोड़ देते हैं। उन्होंने अपनी फिलॉसफी बताई है कि If you don't win it, then you have to keep running till you do. अगर आप विजेता नहीं बने हैं तो तब तक दौड़ते रहिए जब तक आप उस विजय श्री को प्राप्त नहीं कर लेते। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए और इसी तरह के ज्ञानवर्धक और रोचक वीडियोस आगे पाने के लिए सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल sharebazaar.com को। अगर आप शेयर मार्केट संबंधी ट्रेनिंग लेना चाहते हैं तो टाइप कीजिए शेयर बाजार और व्हाट्सएप कीजिए 9670437425 पर। गुड बाय, आपका दिन शुभ हो।